मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा प्राणायाम और ध्यान के विषय। देखिए, प्राणायाम जो है वो हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आज जितनी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो समाज की अनियमितताओं के कारण है, हमारे गलत रहन सहन और गलत सोचने के वजह से। सारी बात सिर्फ मान्यताओं की, हमारी मान्यताएं क्या, यही डिप्रेशन का कारण है। देखिए, ध्यान और प्राणायाम क्या करता है? जब भी आप प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं तो आप विचारों से मुक्त होने लगते हैं। धीरे धीरे वो अवस्था आती है जहाँ पर आप विचार शून्य भी हो सकते हैं। और सारा द्वंद्व तो विचारों की वजह से ही, सारा डिप्रेशन विचारों की वजह से ही। तो मैं बात करूँगा आपसे कुछ प्राणायामों के विषय में और ध्यान के विषय में। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कपालभाति के बारे में। कपालभाति में आपको जो ध्यान है वो सिर्फ श्वास छोड़ने पर देना होता है। आप श्वास छोड़ेंगे और ध्यान आपका श्वास छोड़ने पर होगा। जैसे आधी आपकी आंखें बंद हों और आधी खुली हों, बैठ जाए, श्वास गहरी लीजिए फिर छोड़िए धीरे धीरे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या और गंभीर समस्या है वो इसे धीरे धीरे करें। एक सेकंड में एक बार करें। सांस लें, छोड़ें। अपने शरीर को स्थिर रखें, कोई भी दबाव न डालें, सहज करें। सांस छोड़ने पर ध्यान होगा बस आपका। इसको आप 5 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक कर सकते हैं। एवरेज आप 15 मिनट कर सकते हैं। सारे पेट का व्यायाम हो जाता है और कपाल भाती, जैसा कि नाम से इसके पता चलता है, आपके सारे मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है। सारे नर्वस सिस्टम की नर्व्स खुल जाती हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम ठीक हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। शरीर को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है। दूसरा प्राणायाम मैं बताता हूँ आपको, अनुलोम विलोम। इसमें आपको एक नाक से सांस लेनी होती है, फिर थोड़ा रोकना होता है और दूसरी नाक से आपको निकालनी होती है। तो पहली नाक से आप लेंगे, थोड़ा रोकेंगे, फिर दूसरी से आप निकालेंगे। देखिए, गहरी सांस लेंगे, 5 सेकंड में लें और 5 सेकंड में आप छोड़ें। अब रोकें, दूसरी से निकालो, फिर दूसरी से लें, रोकें और निकालो, फिर इससे लें, रोकें और निकालो। ऐसे ही आप इसको 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं। ये भी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती है, इसमें सांसों की आपकी लयबद्धता बनती है। हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपकी ब्लॉकेज
खुलती हैं इससे। पाँच सेकंड मैंने थोड़ा रुके, फिर पाँच सेकंड में छोड़ा। आपके हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम में आपको भौरे जैसी आवाज़ निकालनी होती है। ये मानिए आप जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम की आवाज़ निकालिए आप और मुंह बंद करके, जैसे ओम असल में वो ओम की आवाज़ ही होती है। तो इसके लिए हम दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखेंगे, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और ओम की आवाज़ निकालेंगे मुंह बंद करके, तो भौरे जैसी आवाज़ निकलेगी। और इन तीन उंगलियों को अपनी आँखों पर रख देंगे, लेकिन कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आप गहरी सांस लेंगे और लीजिए गहरी सांस और गहरी सांस लीजिए और भौंरे जैसे बाहर निकाल दीजिए। ये भी आपका डिप्रेशन के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए और ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। सहज ध्यान लगने लगेगा आपका, थोड़ी देर में आपका मन शांत होने लगेगा। इसको आप 5 से लेकर के 10 बार कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। एक प्राणायाम और बताता हूँ मैं आपको जो आपकी थायराइड के लिए अच्छा होगा। इसमें आप 3 मिनट लगाते हैं।